हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जो इसके क्वेश्चन आए हैं नीट में 2017, 18 और 19 में। उससे पहले आप कॉर्नर पे आई बटन है उस पर क्लिक करके आप कंप्लीट प्लेलिस्ट दे सकते हैं। इसमें आपको 11, 12th के हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के जो नीट में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। तो इसमें 2017 में आए थे आपके 3 क्वेश्चंस। सबसे पहले है अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसपोर्ट सेल इज नोन एज, तो कौन सी होती है? सिलेक्टेबल मार्कर, ये वो जीन होती है जिसके अंदर हम हमारी जो नीड के अकॉर्डिंग जो जीन होती है उसको इसमें इंसर्ट कर देते हैं और ये सिलेक्टेबल मार्कर का काम करती है क्योंकि ये जीन इनएक्टिवेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एग्रोसेल कैन बी यूटिलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड को यूज किया जाता है, ऑरेंज कलर वो देता है उसको डीएनए को सेपरेट होने के बाद, जिससे उसको विजुलाइज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड क्वेश्चन जो इससे आया था चैप्टर से, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। उसके बाद आ रहे हैं 2018 के क्वेश्चन। 2018 में इससे आए 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग डीएनए फ्रैगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट। अब देखिए इसमें चारों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है लैम्डा फेज। लैम्डा फेज किसको इन्फेक्ट करते हैं? बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया में होते हैं तो ये तो होगा नहीं। फिर आता है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड किसमें होता है? आपका प्लांट्स में। उसके बाद आता है आपका रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस किसमें होता है? आपका एनिमल्स में। तो इसका आंसर होगा आपका रेट्रोवायरस। टीआई प्लाज्मिड होता है आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का, ये आपका प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। उसके बाद फोर्थ का आपका PBR322, ये आपका एक प्लाज्मिड होता है, तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, रेट्रोवायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर्स ऑफ स्टेप्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में सबसे क्या पहले क्या आता है? डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले डीएनए डीनेचुरेट होगा, फिर उससे प्राइमर एनील होंगे और फिर उसकी एक्सटेंशन होगी। आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। अब आते हैं 2019 में। 2019 में इससे आए आपके 3 क्वेश्चन। सबसे पहले देख लेते हैं, डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विद चिल्ड इथेनॉल, इसका आंसर हो जाएगा। इथेनॉल की मदद से ही उसको सेपरेट आउट करते हैं, उसको प्रेसिपिटेट करते हैं। उसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। बेंजाइन कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए। बिल्कुल ठीक है, एक आइडेंटिफाइड पर्टिकुलर पोजीशन जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं उस पर कट करता हो। बेंजाइन बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट्स ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स, ये गलत हो जाएगा। दोनों स्ट्रैंड्स को ही कट करता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक स्ट्रैंड को कट नहीं करता खाली। तो आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। अगली स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, बेंजाइन कट्स द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट ऑन ईच स्ट्रैंड। बिल्कुल ठीक है, जो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है उसी को कट करता है। एंजाइम रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए, ये भी बिल्कुल ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही आइडेंटिफाई करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दो आपकी दोनों तरफ से सेम रीड हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स यूज होते हैं आपके इंडस्ट्रियल स्केल पे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जो आपके जो स्लज डाइजेस्टर हैं, बीओडी इनक्यूबेटर्स हैं, ये आपके वाटर को क्लीन करने में यूज होते हैं। तो बायो रिएक्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।